ओ भाई मेरे कुछ लोग हैं जो न्यूज़ पढ़ने के लिए भी उनको जो है ना समझ देनी पड़ती है भाई। ये वीडियो पूरी देखें, इसमें आपको बताऊंगा भाई, जो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है ना, मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर यूएई। सारे भाई दोस्त लोग पीछे पड़ गए हैं भाई, क्या ख्याल है, क्या अपडेट है? वन बाय वन शुरू करते हैं कि भाई ये वीज़ा ओपन हो चुका है और मल्टी एंट्री वीज़ा है क्या एक्चुअली, और आपको इसमें करना क्या है। ज़रा गौर से पूरी वीडियो सुनेगा और पूरी बात आपको समझ आएगी। सबसे पहले मेरे वो भाई दोस्त लोग जो 12 कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको सस्पेंड था वीज़ा फॉर द सिंगल मेल, ठीक है, उनके लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानीज। एक बात माइंड में रखें, अभी जैसी न्यूज़ आई है ना कि मल्टीपल एंट्री अप्रूव हो गया, तो बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई कैसे अप्लाई करें, हमने दुबई आना है, कोई तरीका है वारदात समझाएं कि हम दुबई पहुंच जाएं और अपना कारनामा अंजाम दें यहाँ पे आके। सबसे पहले भाई एक चीज़ माइंड में रखें, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि भाई आप एंट्री कर सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल वीज़ा एंट्री होता क्या है, आप समझदार लोग हैं, आपको पता है बताने से पहले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो उस खबर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम महान लोग हैं ना, खबर पूरी नहीं पढ़ेंगे, हेडलाइन पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे और आमीन करेंगे और भाई निकलेंगे। वो ऐसे नहीं होता भाई, खबर पूरी तो पढ़ो ना, नीचे पूरी डिटेल क्या दी हुई है। मल्टीपल एंट्री का मतलब है आपके पास मल्टीपल एंट्री पहले भी दुबई में था, तो ये कोई नया कारनामा अंजाम तो नहीं हुआ, पहले भी ये दुबई में जीता था, अभी क्या चेंज आई है, पूरी खबर तो पढ़ो। खबर ये पढ़ी नहीं, सहाणे बने फिर रहे हैं सारे। उस खबर में लिखा है कि ये जो मल्टी एंट्री वीज़ा यूएई का है, ये फॉर 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स, आपने एक दफ़ा वो वीज़ा ख़रीद लिया, आप ट्रैवल आउटसाइड कर सकते हैं, इनसाइड आ सकते हैं, फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। ये बात प्रॉपर लिखी हुई है, फॉर ऑल नेशनैलिटीज, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखें, यही वीज़ा पहले भी था, लेकिन इस दफ़ा 5 साल का कर दिया गया है। पहले 1 महीने का था मल्टीपल एंट्री, 3 महीने का था, उसमें आप आ जा सकते थे, आप डेली ट्रैवल करें, डेली आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीज़े के अंदर आप 5 ईयर्स का वीज़ा होगा, लेकिन इसके अंदर जो वैलिड पॉइंट है ना, वो ये है कि विद इन 3 मंथ 90 डेज आपको एग्जिट करना है और फिर दोबारा आना है। जिस तरह यूरोप कंट्री से आते हैं ना लोग, जिनको वीज़ा ऑन अराइवल होता है, फॉर एग्जांपल यूरोप कंट्री से हो गया, रशियन कंट्री से हो गया, ये लोग जो ट्रैवल करके यूएई आते हैं ना, तो 90 डेज़ का टाइम होता है, 90 डेज़ में उनको एग्जिट करना है। सेम यही सीन है, सारी नेशनैलिटीज़ को मिल जाएगा कि उनके पास 5 ईयर्स हैं, लेकिन एवरी 90 डेज़ उनको एक दफ़ा एग्जिट करना है। क्लियर? तो भाई ये वो वीज़ा है जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट होते हुए थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी न्यूज़ आई है, लोग कहते हैं न्यूज़ आई है, 10 ही पैसे पकड़ाओ, ट्रैवल एजेंट अभी और कारनामे अंजाम देंगे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली उनका धंधा और गर्म होगा। मेरे भाइयों, ये पकड़ो, ट्रैवल एजेंट्स के पास ना चले जाना 5 साल का वीज़ा लेने। अभी मार्केट के अंदर वो इतना अवेलेबल नहीं है, जब आएगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी न्यूज़ आ गई है और दुबई की रिस्पेक्ट है भाई, इनका जितना ईजी होता जा रहा है ना, ये उतना ईजी करते जा रहे हैं लोगों के लिए कि भाई इधर आएँ और प्रमोट करें भाई, अपने आप को करें, अपनी कंट्रीज को करें और यहाँ पर टूरिज़म को ऊपर लेके जाएँ। सेकेंड क्वेश्चन कि भाई वो सारे लोग जो बैन थे, जिनके ऊपर ट्रैवल बैन था, वो कंट्रीज़ की क्या सूरत हाल है भाई, जिसमें इंडिया है, बाकी सारी, सॉरी इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है और बाकी कंट्रीज हैं भाई, वो सारी कंट्रीज़ अभी भी सस्पेंड है। समझ आई? नहीं आई? देखें, अभी जो इन कंट्रियों को ब्लॉक किया हुआ था ना, वो अभी भी ब्लॉक है, ठीक है, फॉर सम रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न है, वो भी कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं है, खुल जाएंगे जल्दी। लेकिन फिर मेरे महान भाई नीचे पूछेंगे, भाई आपका क्या ख्याल है, कब खुल जाएंगे? भाई अपना को पर्सनल मीटिंग नहीं चलती रहती है अंदर, समझा करो, गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज होते हैं, उनको हैंडल करने दो। लेकिन अभी वो ओपन नहीं हुए, ये एक न्यूज़ आई है फॉर द गुड न्यूज़ के सारी नेशनैलिटीज़ के लिए, जैसे ही इनके बैन रिमूव होंगे, सारी नेशनैलिटीज़ उतना अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो अभी बैन के अलग नेशनैलिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी इसमें अप्रूव कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, वो लोग उसके ऊपर अभी अप्रूव कर सकते अप्लाई कर सकते हैं मल्टी एंट्री फॉर 5 ईयर्स। उसकी फ़ीस क्या है, चीज़ें क्या हैं, जैसे जैसे वो सामने आएंगी मैं वैसे वैसे शेयर कर दूंगा। तो कीप इन माइंड कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अभी ओपन है, 90 डेज़ के अंदर आपको एग्जिट मारना है, फिर अंदर आना है, और जो 12 कंट्रीज बैन थी वो अभी भी बैन है, जब वो ओपन हो जाएंगी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं 90 डेज़ वीज़ा। बात समझ आई या नहीं आई? दोबारा समझाऊंगा, 100 दफ़ा पूछो 100 दफ़ा समझाऊंगा, 1000 दफ़ा पूछोगे 1000 दफ़ा समझाऊंगा, फिर भी ना समझ आए DM करो इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर भी समझाऊंगा, नहीं समझ आई फिर समझाऊंगा। बाय बाय।